हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी आप लोगों के लिए लाता हूँ, उसी प्रकार आज भी मैं एक रियल घटना, जो सच्ची घटना है, उसी पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा, जानकारी दूँगा। कुछ भाई हो सकता है उस घटना से वाकिफ हों, कुछ हमारे भाई बहन हो सकता है उस जानकारी से वाकिफ नहीं हों, तो मैं वीडियो के माध्यम से उन तक सटीक जानकारी पहुंचाऊंगा। क्या कोई इतना बेरहम इंसान हो सकता है जो मतलब एक हत्या का जैसे इल्ज़ाम लगता है किसी पे, तो क्या किसी ने देखा होगा कि जो प्रेमी हो उसी ने ही, जिससे प्यार करता था वो, उसी की बेटियों को जो है गोली मार देता है। तो ये बहुत दर्दनाक घटना है, मैं अभी बताऊंगा आपको आगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ वर्मा। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अमेठी में हुई घटना की जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। एक परिवार था हंसता खेलता। उस परिवार में माता पिता और उनका एक लड़का रहता था। माता पिता बनारस में रहते थे, लड़का यहाँ रायबरेली में तैयारी करता था, पढ़ाई करता था। लड़के का नाम था सुनील कुमार। सुनील कुमार अपनी तैयारी इतनी ज़ोर शोर से करता है, उसकी घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, फिर भी वो लगन के साथ पढ़ाई करता है और एक सरकारी जॉब पाने के लिए वो जो प्रयास करना चाहिए वो सारे काम करता है। पार्ट टाइम जॉब करता है, अपनी पढ़ाई करता है, और इतना ही नहीं, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी जो किस्मत है ज़रूर रंग लाएगी। ऐसा ही हुआ। सुनील कुमार जो है उधर, उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है 68,000। 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें जो है उनका चयन हो जाता है, शायद 68,000 आई थी या 49,000, शायद पुलिस में होता है चयन उसका, तो पुलिस में चयन हो जाता है, अच्छे नंबरों से पास होता है, पोस्टिंग हो जाती है, अच्छे से ज़िंदगी चलने लगती है। लेकिन वो इस जॉब से खुश नहीं था, सीधा साधा लड़का था, जो पुलिस विभाग में होता है आप सभी लोग जानते हैं कैसी ड्यूटी होती है। जॉब कोई ख़राब नहीं होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है व्यक्ति के अनुसार। जैसे हमको पुलिस की नौकरी बहुत अच्छी लगती है, हो सकता है आपको ना अच्छी लगती हो, ठीक उसी प्रकार सुनील को भी एक सरकारी जॉब की उसको तलाश थी। जॉब तो मिल गई लेकिन उस जॉब से वो संतुष्ट नहीं था। समय बीतता गया, उसकी शादी हो गई। जब उसकी शादी हो गई तो वहीं पास ही में एक लड़का रहता था चमन वर्मा, तो वो भी लफंगा टाइप का, ऐसे समझ लो, इधर उधर वो काम करना, उधर दलाली करना, यही सब उसका काम था। एक बुलेट थी उसी पे वो घूमा करता था। किसी शादी या पार्टी में उससे मुलाकात होती है सुनील कुमार की और चमन वर्मा की। सुनील कुमार, जब मैंने कहा कि अब उनकी शादी हो गई थी, वो एक साल तक पुलिस की जॉब करते हैं, उसके बाद उनका सहायक अध्यापक में हो जाता है।
चैन हो जाता है। अब उनको रायबरेली में वो अपनी पोस्टिंग लेते हैं, वहीं पूरा परिवार रहने लगता है। उधर जो चमन वर्मा था वो कुछ दिन के लिए दिल्ली जाता है, दिल्ली में रहने लगता है, लेकिन उसकी ये हरकतें वहाँ, मतलब अपने भाई के साथ रहता है, उसका भाई जॉब करता है, लेकिन ये खाली रहता है इधर उधर टहलना। तो यहाँ सब कुछ सही चल रहा था, सुनील की लाइफ अच्छी चल रही थी, और उधर वो चमन वर्मा, वहाँ उसकी दाल नहीं गली। जब कुछ करोगे नहीं तो कोई, जाहिर सी बात, आपको कोई नहीं रखना चाहेगा, चाहे सगा भाई क्यों ना। अब वो वहाँ से दिल्ली से वापस आता है चमन वर्मा, और यहाँ रायबरेली में जब वो अध्यापक वहाँ ज्वाइनिंग ले लेते हैं, तब कोई काम होगा या किसी बहाने उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। असल में ये होता है कि अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपकी जानबूझकर मदद करने के लिए आगे बढ़ूँगा। ठीक ऐसा ही मुद्दा वो भी था। चमन वर्मा शायद पहले से जानता होगा सुनील कुमार की वाइफ को, मुझे नहीं पता, लेकिन चमन वर्मा की माँ पूनम वर्मा जी बताती हैं कि 1.5 साल से उनका, न्यूज़ में भी था, 1.5 साल से उनकी मुलाकात थी। अब कैसी मुलाकात थी पता नहीं भाई, किसी को बिना देखे जज करना मेरे हिसाब से तो नहीं सही है, लेकिन जितना न्यूज़ के अनुसार मुझे पता चला उतने में आप लोगों को बता दूँ। जब उनकी मुलाकात होती है उसी दौरान सुनील कुमार अपनी वाइफ के साथ होते हैं, वाइफ से भी वो मिलने की कोशिश करता है, मिलता है, हेलो हाय होती है, ऐसे ही नॉर्मल से आपस में बातचीत होती है और समय धीरे धीरे बीतने लगता है। अब ये सुनील कुमार जब भी कहीं बाहर अपने काम से जाए तो ये चमन वर्मा उसके घर आ जाता था, उसकी वाइफ को परेशान करने लगता है, बड़ा अजीबोगरीब बातें करता था, अभद्र बातें। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया, एक बर्दाश्त की भी हद होती है, हम हों चाहे आप हों, एक ऐसा समय आएगा जब इंसान बर्दाश्त नहीं करता है और आपको ज़रूर आपके प्रति कुछ ना कुछ करने की कोशिश करने ज़रूर लगता है। ठीक उसी प्रकार हुआ, सुनील कुमार को उसकी वाइफ बताती है, या उसको कहीं आसपास दुकान से या कहीं सुनने में आया कि जब भी आप छुट्टी लेकर कहीं या अपने काम से जाते हैं, सर्विस के काम से, तो यहाँ चमन वर्मा आते हैं। देखते भी होंगे आपके आस पड़ोस, जो समाज में कोई ऐसा अगर करता है या तो सबकी नज़र में या नोटिस में आ जाता है, लोग कहने भी लगते हैं कि अरे यार ये उनके घर क्यों आता है इतना। उसी प्रकार उनके प्रति भी बातें होने लगीं, ये बात सुनील कुमार को पता चली। सुनील ने अपनी वाइफ से पूछा, बहुत डरते हुए पूछा वाइफ से, क्योंकि वो जान तो गया था बाहर से, उसको जानकारी मिल गई थी, लेकिन उसने पूछा कि यार जैसे हमने सुना है किसी के बहाने, अगर हम डायरेक्ट किसी के करेक्टर पर उंगली उठाते हैं तो गलत बात है, लेकिन उसकी बीबी बताती है कि हाँ ये सच बात है कि जब आप वो जाते हो तो वो घर पे आता है और परेशान करता है, बहुत अजीबोगरीब बातें करता है। तब सुनील कुमार ने एक दिन चंदन वर्मा से कहा भी कि आप प्लीज़ मेरे घर मत आइए, और नहीं तो मैं थाने में आपके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। इतना कहकर चले आते हैं ये लोग। कुछ दिन बीत गए, अब ये एक दिन इसकी जो सुनील कुमार की वाइफ थी ये मार्केट जा रही होती हैं, तभी वो आता है और रास्ते में हाथ पकड़े लेता है और उनसे बदतमीजी करने लगता है। जब वो मना करती हैं तो उनको गाली देने लगता है, तो वहाँ लोग जमा होने लगते हैं, इस कारणवश वहाँ से वो चला जाता है। लेकिन वो
उस दिन इतना डर गई थी उसकी बीवी कि अब वो सुनील कुमार से बता रही थी कि इसके बारे में मतलब जानकारी आपको इसके जो माता पिता हैं उनसे दीजिए, नहीं तो FIR लिखवाइए। तो सुनील कुमार एक बार उसको समझा चुके थे, अब उनके पास पहला वाला ऑप्शन चला गया, सेकंड ऑप्शन बता था कि अब वो थाने जाए। वो थाने जाता है और वो SC/ST एक्ट के रूप में उसको मुकदमा दर्ज होता है और छेड़छाड़ और गाली गलौज ये सारे मुकदमा में दर्ज रहता है। अब उसके खिलाफ़ मुकदमा हो जाता है, अब वो इतना चिढ़ गया, सनकी तो था ही हमें लगता है, ऐसे लोग जो हबसी बन के शिकार होते हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। अब वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्या करना चाहता था पता नहीं, अभी पुलिस जानकारी प्राप्त कर रही है उस मैटर में। समय था 3 अक्टूबर, उस दिन तारीख थी 3 अक्टूबर, लगभग शाम का टाइम रहा होगा, 3 अक्टूबर 2024 की घटना है। जब ये इसको लगा कि ये मेरे खिलाफ़ मुकदमा दायर कर दिए हैं, अब वो थोड़ा अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस करने लगा। ये अरे गांव में कहावत नहीं है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोच, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब वो वही बात उसको लगा कि हम तो बहुत बड़े तुर्रम खान थे और ये जो है हमारे खिलाफ़ FIR मुकदमा ये सब कैसे करा दिए। अब ये फ़ोन करके सुनील कुमार को धमकी देने लगा कि ऐसे इधर उधर की बातें, जब किसी खिलाफ़ आप FIR या मुकदमा कर दोगे तो वो थोड़ा सा उस पॉइंट से हट के बात करेगा, जिससे वो आपको समझाना चाहेगा कि मैं आपके खिलाफ़ ही कर रहा हूँ, लेकिन बोलेगा कुछ और। उसने कहा मुझे 5 लोगों को जान से मारना है फला फला तारीख। अब सुनील कुमार को समझ में आ गया कि ये किसकी बातें कर रहा, वो बड़ा सहम सा गया, डर गया, उसको लगा कि हमारे पास परिवार के सिवा कुछ है भी नहीं और माँ बाप हमारे बनारस में रहते हैं, तो उसने सोचा कि हम क्यों ना अपनी पोस्टिंग जो है यहाँ से बदल लें, मतलब दूसरी जगह करवा लें, पोस्टिंग दूसरी जगह हो जाती है। जब पोस्टिंग दूसरी जगह हो जाती है, एक दिन ये शाम को जाता है उसके घर, 8-10 दिन बीत जाते हैं, घर जाता है और अपनी पिस्टल निकालता है, 4 गोली सुनील कुमार को मारता है, 2 गोली उनकी वाइफ को मारता है और 1 3 साल की बच्ची थी, 1 गोली उसे मारता है। जो 7 या 8 साल की बच्ची होगी वो भागने की कोशिश करती है तो पीछे से 1 गोली उसको भी मार देता है। अब उसको लगा कि ये सारे लोग मर चुके हैं, अब हम तो थोड़ा वो साइको था मुझे लगता है, क्योंकि उसने 1 राउंड गोली, ऐसा बताया जा रहा है, 1 राउंड गोली उसने खुद पे भी चलाई, लेकिन कुछ कारण बस कुछ ख़राबी होगी पिस्टल में जिससे गोली मिस हो गई, या गोली कुछ भी हो सकता है, दोबारा उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने आप पर गोली चलाए, तो वहाँ से दीवार फांद कर चला जाता है और सीधा वो वहाँ से बैठता है, गाज़ियाबाद जाता है, गाज़ियाबाद से नोएडा जाता है। नोएडा जा रहा था, वहीं पे STF जवान जो होते हैं वो उसको धर लेते हैं, वहीं पे पकड़ लिया जाता है। और इतना ही नहीं, जो उसके पास जो जिस दरोगा ने उनको अरेस्ट किया था उसकी पिस्टल निकाल कर फायरिंग शुरू कर देता है। तब STF वाले जो होते हैं उनके जो चमन वर्मा रहता था उसके पैर पर 1 गोली चला देते हैं, जिससे वो उसके हाथ से पिस्टल छूट जाती है, वो गिर जाता है। अब उसको पकड़ लिया जाता है, उससे पूछने के लिए उच्च अधिकारी आते हैं, पूछते हैं कि जिस पिस्टल से तुमने शिक्षक के परिवार को
ख़त्म किया है वो पिस्टल कहाँ है, अब वो बुलेट कहाँ है, ये सारी चीज़ें उनसे पूछते हैं। अब वो बदले में कहता है कि सर मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाइयों एक बात बताना कि क्या ज़रूरत थी तुमको, उसकी अच्छी भली लाइफ चल रही थी, उसकी लाइफ में दखल देने की क्या ज़रूरत थी। एक अध्यापक जो सम्माननीय पद होता है उसकी गरिमा को धूमिल कर दिया, उसके पूरे परिवार को, जब वही सुरक्षित नहीं है तो वो जिस स्कूल में पढ़ाता है वहीं से IAS PCS IPS निकलते हैं। जब वही टीचर नहीं सुरक्षित है, वो अपने परिवार को नहीं सुरक्षित रख सकता है, तो फिर किस काम का यार ये प्रशासन हो। हालांकि माननीय CM जी ने तुरंत इतना ये वाक्या जो घटना थी इतना वायरल हो गई कि मजबूरन कहीं ना कहीं हर थाने पे जो है इस घटना की चर्चा शुरू हो गई और इसको तुरंत जो है CM योगी माननीय योगी नाथ जी उन्होंने आदेश दिया कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके परिवारजन जो थे उनको दिलासा दी गई कि मैं एक नौकरी और 5 बीघे ज़मीन और कुछ पैसा आपको देने के लिए तैयार हूँ। खैर उनके परिवार वाले बेचारे बूढ़े माँ बाप, उनको और क्या चाहिए, जो उनका बेटा था हीरे जैसा वो तो अब नहीं रहा दुनिया में। ये भूख कितनी ख़तरनाक होती है ना, हर गम दर्द दबा देती है। वो बेचारे सुलझे हुए थे, उन्होंने सारी चीज़ें मंजूर हो गई उनको, कहा मैं मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मुझे अपने बेटे को न्याय दिलाना है। अब उधर ये देखो कि जैसे चमन वर्मा की माँ बताती हैं कि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसकी माँ बोलती हैं कि वो 1.5 साल से जानते थे उनकी वाइफ को। अगर वो जानता भी था तो क्या यार, किसी से प्रेम, अगर किसी से प्रेम था तुमको, अगर वो आपको नहीं मिला इंसान या उसको पाने के लिए, तुम इतना गिर जाओगे। और खैर छोड़ो, बच्चे तक को जो है नहीं छोड़ा, ये प्रेम रेम कुछ नहीं है, ये हवसीपन है। और ऐसे समाज में लोग ऐसे पनपते रहेंगे जब तक प्रशासन और हम आप सचेत नहीं रहेंगे। कोई घटना होती है ऐसी इस प्रकार की तो आप तुरंत थाने में FIR लिखाएं या अपने जो परिवार के मुखिया हों उनको तुरंत बतानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों की ढीला ढाली की वजह से कुछ ऐसा ख़तरनाक अंजाम हो जाता है जिस पे फिर अफसोस के सिवा और कुछ नहीं बचता। तो किसी के दिल को दुख पहुंचाने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है, सिर्फ आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। अगर मेरी वाणी के द्वारा अगर कुछ भी अपशब्द निकला हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और सभी भाइयों को अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, हर रोज़ एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ और होता रहूँगा। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग कमेंट करिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो कुछ भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।